हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। क्योंकि हमने स्टार्ट करी थी हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन प्रिपरेशन की सीरीज़, जिसमें हमने मैथ्स और साथ ही साथ करेंगे हम उसमें एचपी जीके। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश का जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश जीके में आज हम टॉपिक करेंगे हिमाचल प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के, और हिंदी में कहें तो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट तो है ही टॉपिक, लेकिन साथ में थोड़ा टफ भी है टॉपिक। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, और सभी को लर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम करेंगे इसमें मेन मेन। हाँ, मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको सभी मिलेंगे, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। सारे तो नहीं है, लेकिन अराउंड 45 मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी नोट्स में। तो आप नोट्स अगर लेना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ ही साथ में, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और कुछ एक मैंने शॉर्ट्स ट्रिक बनाई है, तो शॉर्ट स्टिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1971 में। फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश हो गया 1971 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तीन पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेकंड था हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन 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 कंपनी लिमिटेड, और थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब ये तीन में इनको डिवाइड कर दिया, इन तीनों के काम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो HPPCL का काम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का उत्पादन करना, और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का काम है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन क्योंकि यहाँ पे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, तो इसका काम है ट्रांसमिशन का, संचारण का। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, विद्युत वितरण का काम है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हिमाचल प्रदेश की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की? तो सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आखिरकार टोटल कैपेसिटी है कितनी। तो टोटल है इसकी 27,436 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है ये। अब ये टोटल कैपेसिटी है, तो इस टोटल कैपेसिटी में से कितनी उसकी एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की? तो हिमाचल प्रदेश की एबिलिटी है 24,000 मेगावाट की, और टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश ने 2024 तक का टारगेट रखा है कि 2024 तक 22,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये इनका टारगेट है 2024 तक का। और रिसेंटली कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? तो रिसेंटली 20,912 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है हिमाचल प्रदेश, और जिसमें से भी 10,519 मेगावाट हिमाचल प्रदेश द्वारा कंज्यूम की जा रही है। तो ये तो बात होगी कैपेसिटी की। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता कौन सी नदी में है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी है जिसपे सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बने और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? तो ये नदी है, इसका आंसर होगा सतलुज। सतलुज रिवर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द हाईएस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाईएस्ट विलेज जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको प्रोवाइड हो रही है वो है किब्बर, इसका आंसर होगा किब्बर, किब्बर विलेज। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पावर हाउस इन हिमाचल प्रदेश? अब ये क्वेश्चन है पावर हाउस का। तो हमने ऊपर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन किया कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ कब था, तो ये 1971 को हुआ था, 1971 को। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पावर हाउस इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसका आंसर है
फर्स्ट पावर हाउस हिमाचल प्रदेश में लगा था 1908 ईस्वी में, ठीक है। 1971 में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 1908 में फर्स्ट पावर हाउस लग चुका था 1908 में, और ये लगा था चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में। और लगवाया किसके द्वारा गया था 1908 में? लगवाया गया था भूरी सिंह द्वारा, भूरी सिंह के द्वारा लगाया गया था चंबा डिस्ट्रिक्ट में 1908 ईस्वी में, ठीक है जी। फर्स्ट पावर हाउस है ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट HEPP यहाँ पे है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड बाई हिमाचल गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया गया है, उसका नाम पूछा गया है आपसे। तो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, वो है गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब ये दो क्वेश्चन है ना, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से सुनिएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तो ये हिमाचल गवर्नमेंट का पूछ रहे थे, अब पूछ रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा हिमाचल प्रदेश में लगाया गया कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो शानन नाम है, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं बस्सी, बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हिमाचल प्रदेश में। ये बना था 1932 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो लार्जेस्ट पूछा जाए तो पार्वती है, पार्वती लार्जेस्ट है। ये प्रोड्यूस करता है 2051 मेगावाट। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट है रोंग टोंग, रोंग टोंग ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है 2 मेगावाट की। अब एट्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज नॉट, यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट अ अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इनमें से बताइए कि कौन सा जो है वो अंडरग्राउंड हिमाचल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा गया आपसे, कौन सा नहीं है। तो देखिए सैंज जो है वो ये है अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, सैंज भी अंडरग्राउंड है, सबदा कुड्डू भी अंडरग्राउंड है, शोंग टोंग भी अंडरग्राउंड है, कशांग भी अंडरग्राउंड है, और संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पे बचा एक शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं है। ये हमने डिस्कस किया कि ये पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लगवाया गया प्रोजेक्ट है, और ये अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है। एट क्वेश्चन, और बाकी आप ये सभी लर्न कर लीजिएगा, ये बाकी जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है ये लर्न कर लीजिएगा, ये जो 5 प्रोजेक्ट है इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पूरे कवर हो गए। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पढ़ा, कैपेसिटी पढ़ी इनकी, और अब डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे नोट्स में मैंने दे रखा है। ओके, फर्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में वो दे रखे हैं, सभी रिवर्स पे, 5 रिवर्स है हिमाचल प्रदेश में, तो सभी रिवर्स पे जो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं। अगर तो आपको बिल्कुल डिटेल से करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एक बार इनको नोट करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधा ट्रिक बताती हूँ अभी, क्योंकि अगर हम डिटेल में एक एक करने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।